ये मंजर तो वही जानेगा ना जिस दिन धामी जी के मकान में दरार आएगी, और उसे कब तक वो होटल में रहता हम देखते हैं। हम होटल में रहेंगे, साथ साथ आप भी रहेंगे। ये दर्द अपना घर खो चुके जोशीमठ के लोगों का है। जहाँ हमने जन्म ले रखा आप कैसे बोल, जहाँ हमारी याद है, मेरे पितृ वहाँ पे आए हैं, हमने पैदल चलना बोलना सीखा है, तुम आसानी से आगे बोल रहे हो, तुम अपना मकान खाली कर रहे हो। इनकी आंखों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और यही गुस्सा जोशीमठ के इन युवाओं को दरकते जोशीमठ से देहरादून तक पैदल सड़कों पर दौड़ा कर ले आया है। जोशीमठ में इन दिनों हो क्या रहा है, वहां के हालात क्या हैं, ये सब हालांकि आपको इन दिनों खबरों में ना के बराबर पढ़ने को सुनने को मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जोशीमठ में भूदसाव और दरारें पड़ने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर के खेतों और आम रास्तों पर करीब 300 मीटर तक लंबी दरार आ गई हैं, जिन्हें देखकर स्थानीय लोग हैरान हैं। साथ ही साथ ये लोग उस डर के साए में भी जी रहे हैं जो उन्हें दिन रात सता रहा है। चलिए अब आपको हम जोशीमठ के उन युवाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने शहर को बचाने के लिए जोशीमठ से देहरादून तक पैदल यात्रा का कठिन मिशन पूरा किया है। जोशीमठ में भूदसाव के बाद प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कुछ युवा जोशीमठ से चलकर 14 दिन की पद यात्रा कर आज देहरादून पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ युवा यहां पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये युवा 14 दिन की यात्रा कर यहां पहुंचे हैं और इनकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 के बीच में है, और जो ये यात्रा रही है काफी संघर्षपूर्ण रही है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और अभी जो जोशीमठ में स्थिति है वो क्या है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम अभिनीत सेमराग है। देखिए जोशीमठ की स्थिति तो आज सब लोगों को पता है। पहले वहाँ मतलब 2 तारीख को मतलब हल्की फुल्की दरारें आना शुरू हुई, तो उनसे लोगों को मतलब हल्का फुल्का डर लग गया। अब जो हालत है वो दरारें जो बहुत बढ़ने लग गई है वो थम नहीं रही है, तो इसको सरकार को इस पे कुछ देखना पड़ेगा। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप पदयात्रा कर जोशीमठ से यहाँ आए और अपनी जो बात है उसको रखे, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे दिमाग में, क्योंकि जोशीमठ से यहाँ पैदल आना आसान बात तो नहीं है। जी मेरा नाम कुणाल है। तो ये प्रेरणा हमको हमारे दोस्त लोगों ने दी। पहले तो हमारे दोस्त लोग जा रहे थे, वो दो थे, एक हमारा आयुष भाई था और एक सचिन भाई था, और उसके बाद संघर्ष समिति के साथ वो जब मिले तो उन्होंने सभी जगह पोस्ट किया कि कोई चलना चाहता है, तो हम सब तैयार हो गए और भाइयों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम जहाँ तक आज जोशीमठ से जहाँ तक अभी तक आए हैं सब लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया और बहुत सराहना दी है। तो आप लोग सब साथ में पढ़ते हैं या आप लोग अपने बारे में बताइए, आप लोग सब कैसे मिले और इकट्ठा कैसे हुए? मतलब ये था, हम तो सब एक साथ एजुकेशन मतलब स्टडी करते थे। मतलब कुछ मतलब ये थे कि हमको मतलब हमने वहाँ समिति को बोला तो मतलब एक साथ जुट हो गए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष डुमरी है। तो आयुष जी कैसे ये आपने कब इसका ऐलान किया कि हम साथ में जाएंगे और अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? यहाँ आज देहरादून पहुंचे हैं, 14 दिन लगे हैं आपको, और परिवारों की क्या स्थिति है? मतलब सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि इसे इस जोशीमठ को आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। और ये परिवार की स्थिति तो अभी मतलब कि कुछ लोग ऐसे हमारे साथ कि जो होटल में रखे हैं, और फिर वो वहाँ से भी अब चार धाम यात्रा खुलने वाली है, फिर वहाँ से भी अब बोल रहे कि तुम अपने घर जाओ, वहाँ से भी अब उनको शिफ्ट करके बोल रहे तुम घर पे जाओ, और वो दर्द वही समझता है जो अपने घर से बेघर होता है। तो क्या आपके भी परिवार इस समय होटल में हैं? किस तरीके से रह रहे हैं? क्या आपके घर में दरारें आईं और कैसा उसके बाद मंजर था और इस समय किस स्थिति में है परिवार? सर ये मंजर तो वही जानेगा ना जिस दिन धामी जी के मकान में दरार आएगी, और उसे कब तक वो होटल में रहता हम देखते हैं। हम होटल में रहेंगे, साथ साथ आप भी रहिए होटल में अपना घर छोड़ के। जितना टाइम तुम रहेंगे उतना टाइम हम रहने को तैयार है, और तुम नहीं रह पाओगे तो हमारा मकान, हमारा मुआवजा, जो हमारी मांग है पूरी कर दो। आदमी होटल में सर एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 3 दिन रहे, उसके ज्यादा नहीं रह पाएगा। अपने हाथ का खाना अपने हाथ का होता है, होटल का खाना होटल होता है। और जहाँ हमने जन्म ले रखा आप कैसे बोल, जहाँ हमारी याद है, मेरे पितृ वहाँ पे आए हैं, हमने पैदल चलना बोलना सीखा है, तुम आसानी से आगे बोल रहे हो तुम अपना मकान खाली कर दो, कैसे कर लो? ना कोई बात की, ना तुमने उसका कुछ निवारण निकाला, ना तुमने उसका मुआवजा बताया। तुम आके धमकी दे रहे हो कि तुम घर से निकल जाओ और तुम होटल में लो, और होटल में तुमने रहते जब पूरा जोशीमठ आपदा क्षेत्र है, क्या गारंटी है कि वो होटल बचेगा? तुम लिख के दोगे कि ये होटल को दीवार नहीं आ सकती या दरार नहीं आ सकती? वो भी होटल भी तो जोशीमठ के अंदर है ना, तो वो भी तो उसमें आपदा क्षेत्र के अंदर,
तो उसमें क्या गारंटी है कि ये मतलब ये होटल टिकेगा? उससे बढ़िया जब होटल में मरना होगा आदमी, उससे बढ़िया अपने घर में मर ले। जब तुम्हें कुछ नहीं करना है तो अपने घर में भेज दो हमें, हमें ये भी नहीं चाहिए। हम अब मरना होगा अपने घर में मरेंगे, कम से कम दूसरे के घर पे। तो सरकार वादा कर रही थी कि नया घर देंगे, उसका कहीं दूर दूर तक है? आपको लग रहा है कि नया घर अब मिल जाएगा या परिवार को कुछ उम्मीद है? उम्मीद होती तो सर हम पैदल थोड़ी ना आते इतने दूर से। जब उम्मीद कुछ काम ही नहीं चल रहा है वहाँ पे, तभी तो हमें मजबूर होके पढ़ना पड़ना, वरना हमें शौक तो है नहीं कि 350 किलोमीटर से हम यहाँ पैदल आएंगे, वो भी आजकल गर्मियों के टाइम। आपने यात्रा की बात करी तो ये 14 दिन की यात्रा कैसी रही? क्योंकि पैदल पद यात्रा करना, पहाड़ से देहरादून आना कोई आसान बात नहीं है। क्या क्या जो कठिनाई आई आपकी, और क्या बीच में ऐसा लगा कि लौट जाते हैं नहीं करते हैं? ऐसा तो देखो, जो हमें कठिनाई आई तो हमारे जो दोस्त लोग थे हमने आपस ही में सुलझा दिया था। किसी को लगा भी कि वापस जाए तो हमने आपस में समझाया कि ये उसके घर के बारे में बताया। जब वो अपने घर के बारे में सोचता था तो रोता था हमारे पास कि मेरा घर टूट गया। तो उसके बाद उसकी एक ही थिंग थी कि मैं देहरादून जाना है, धामी जी से मिलना है, पर हमें पता नहीं था कि धामी जी यहाँ नहीं होंगे। इसलिए भी हम धामी जी अब गैरसैंण में है, तो हम देहरादून आ चुके थे। ऋषिकेश में हमें पता चला कि धामी जी गैरसैंण है। तो अब आगे क्या, इस पड़ाव के बाद अगला पड़ाव क्या है? अगर यहाँ पे अगर धामी जी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो हम आगे और भी कुछ करना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि अभी तो हम देहरादून ही आए हैं, अगर हमारे साथी अगर और भी हैं जो अब इसके बाद आना चाहते हैं, हम सीधा दिल्ली तक जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली तक जाने की बात हो रही है, लेकिन जो 14 दिन में आपने यात्रा पार करी, 300 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा थी, कौन कौन से पड़ाव ऐसे आया जहाँ लगा कि अब रुक जाते हैं, नहीं हो पाएगा, ऐसा दिमाग में? और फिर क्या ख्याल आया जिसको आप उसको पड़ाव को पार करके आज यहाँ पहुँचे? जी, इस पड़ाव में तो काफ़ी कष्ट भी आता है। कहते हैं ना, उम्र कम हो पर हौसले बड़े होने चाहिए। तो कहीं पे हमको सहयोग भी मिला, कहीं लोगों से मोटिवेशन भी मिला कि कई लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि तुम्हें कई चीज़ें समझाई, और कई बार हमें लगा कि हमें ये धरना करके हम कुछ पा सकते हैं अगर यदि, और बहुत लोगों का सहयोग भी मिला हमें। लोगों का सहयोग मिला और आपने ये यात्रा 14 दिन में पूरी करी है। पढ़ाई कौन कौन करता है आप में से, और अभी समय पढ़ाई की क्या स्थिति है, अपने भविष्य को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे कि जोशीमठ में जो स्थिति है उस हिसाब से तो पढ़ाई हमारी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। हम सड़कों पे युवा सारे आए हैं, जितने भी पढ़ने वाले भाई लोग हैं हमारे, हम सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भैया जी। तो देखिए, यहाँ पर जो युवा हैं आप देख सकते हैं, तमाम युवा जो जोशीमठ से यहाँ देहरादून पहुँचे हैं, 14 दिन की पदयात्रा करी है, और इस यात्रा में कई पड़ाव ऐसे भी आए जहाँ पर ऐसा लगा कि रास्ते में जो है अब वापस लौट जाना है, लेकिन उसको पार करके देहरादून पहुँचे हैं। इनकी मांग यही है कि परिवार जो हैं वो होटल में रहने को मजबूर हैं, और जिस तरीके से अभी स्थिति बन रही है उसमें कोई सरकार से उम्मीद नहीं लग रही है, और लगातार जो है उम्मीद बांधे ये लोग धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा न्याय हो, क्योंकि भविष्य अधर में है। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।